हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं कोटद्वार और अभी हमें जाना है पहले RCC के इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे अभी फर्नीचर का काम चल रहा है। उसके बाद वहाँ से हम सीधे निकलेंगे कोटद्वार। कोटद्वार से हमें कुछ सामान वामान खरीदना है उनके इंस्टीट्यूट के लिए और उसके बाद हम शाम को आएंगे। तो दिखाते हैं आपको आगे का प्रोग्राम। तो सॉरी गाइज, मैं इनसे आपको मिलाना भूल गया था। ये है आरव उफ तुलीराम बुगचा। हाय करो। हाय, हेलो। अभी हम आए हैं RCC को लेने के लिए यहाँ पे और वो आ चुके हैं ऊपर और अब हम यहाँ पे जाएंगे सीधे मार्केट की ओर जहाँ पे उनका इंस्टीट्यूट बन रहा है। देखिए आ चुके हैं। सो गाइस, आ चुके हैं RCC के इंस्टीट्यूट में। ये देखिए अभी फर्नीचर का काम चल रहा है, ये ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम अभी आए हैं RCC के इंस्टीट्यूट में जहाँ पे कि अभी फर्नीचर का काम चल रहा है। ये देखिए गाइस, ये टेबल बन के हो चुके हैं रेडी और ऑलमोस्ट काम भी हो ही चुका है कम्प्लीट। ये देखिए गाइस, ये है भैया, नहीं है भैया। अगर आपको भी कोई फर्नीचर वगैरह बनवाने हैं तो भैया से संपर्क करें, धर्मेंद्र भैया, यहाँ पे बिजली करके हमने इनकी अपनी शॉप है। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार। तो देखिए यहाँ से कोटद्वार शुरू हो जाता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इनमें तो और कोई हेलो तो गाइस, काफी थक चुके हैं हम और हम हो रहे हैं यहाँ पे बाकी। और दोस्तों, सारी शॉपिंग करने के बाद हम जा रहे हैं कोटद्वार से वापस घर। तो गाइस, अभी हम कोटद्वार क्रॉस कर चुके हैं और पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी ही देर में दुगड्डा। देखिए दोस्तों, कितनी मस्त रोड बनी हुई है आजकल, अभी कुछ टाइम पहले ही ये रिपेयर हुई है। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं दुगड्डा और यहां से अब चेरीखाल लगभग 30 से 35 किलोमीटर और बचा हुआ है। सो गाइस, बने रहे वीडियो में आखिरी तक और लेके चलते हैं आपको आगे। तो गाइस, कोटद्वार से हम आ चुके हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं बस चेरीखाल, थोड़ा सा ही बचा हुआ है और इनकी हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। ये कह रहे हैं मुझे नींद आ रही है, बस मुझे अब बिस्तर चाहिए और मैं उसके बाद सो जाऊंगा।
और हमारे साथ वाले अभी रह गए लगभग हमसे 5 से 6 किलोमीटर पीछे, और अभी हम उनका इंतजार करने वाले हैं। बस अभी काफ़ी टाइम हो गया उस समय से, और यहीं से वो आएंगे। ओके, देखिए गाइस इसी गाड़ी में है ये, और अब हम भी इनके पीछे से निकलते हैं। सो गाइस अब दिखाते हैं आपको आगे। जो ये आगे गाड़ी चल रही है इसी में हमारा सारा सामान पूरा लोड हो गया पीछे की साइड, और बस अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं घर, और अभी हम सामान लोड करेंगे इससे। सो गाइस आगे चल के दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या सामान आज खरीदा। हेलो गाइस, तो शाम के बज चुके हैं 7, और हम आज पूरे दिन भर बहुत ही थक गए, बहुत ही गर्मी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं कर पाया। और ये देखिए गाइस ये सामान आज हम लेके आए, ये देखिए ये फैन, वॉल फैन, ये मैट, ये बोर्ड, ये देखिए बहुत ही बड़ा बोर्ड है, ये देखिए ये इन्वर्टर, माइक्रोटेक इन्वर्टर, ये पर्दे, ये फैन, ऐसी मतलब बहुत सारा सामान। और बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है आज हमारी, पूरा दिन भर वहाँ गर्मी में हालत ख़राब हो गई। सो गाइस अगर ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।